ये वीडियो इससे पिछली वीडियो की कंटिन्यूशन में है. उसमें हम लोग ये सीख रहे थे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट को किस तरह से बनाया जाता है. इसमें हम लोगों ने जो कुछ किया वो ये है, डायरेक्ट मटेरियल्स को हम लोगों ने लिखा और देखा कि प्रोडक्शन में जो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ हो रहा है उसकी कॉस्ट क्या है. फिर उसके बाद हमने निकाला डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, और फिर जितना फैक्ट्री में यूज़ फैक्ट्री का एक्सपेंस है, फिर जिसे हम फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं, वो एक्सपेंस हम लोगों ने लिखा और उसको फिर हम लोगों ने टोटल किया इन तीनों चीज़ों को. तो हमारे पास आया 32,88,000 है हमारा टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. इसके बाद हम लोग जो पार्ट रह गया था इसको अब हम लोग कंप्लीट करते हैं. यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस. ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस का मतलब ये है कि जब हम लोग साल का शुरू होता है तो हम लोग पिछले साल में जो काम कर रहे थे फैक्ट्री में, जो हमारा काम चल रहा था, इन प्रोसेस था यानी काम, वो काम हम लोग पिछले साल के एंड पर जब इन प्रोसेस था, तो इसका मतलब है इस साल के शुरू में दिसंबर, जब हम January 1, 2018 को वो काम इन प्रोसेस होगा, हो रहा होगा, तो जब साल के शुरू में हो रहा होगा तो साल के दौरान वो काम कंप्लीट होगा. इसलिए टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आई है इसमें हम लोग जो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस है उसकी कॉस्ट को भी जमा करते हैं, वो क्योंकि काम इस साल कम्प्लीट होगा और कंप्लीट होगा और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में फिर वो चीज़ें हम लोग सेल करेंगे, कन्वर्ट होगा, तो वो उसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का वो पार्ट बनेगी वो कॉस्ट. तो हम लोग यहाँ पर इसको फिर लिखते हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट क्या है. ये है हमारे पास 5,62,000. ये वो काम था, इतने का काम हमारा इन प्रोसेस था. और अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जमा करेंगे टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और हमें पता चलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग. अब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से जो हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग से फैक्ट्री के अंदर हम लोगों ने जो कॉस्ट पता की, जितना काम हो, जितनी कॉस्ट लग चुकी है, वो उन्होंने कहा कि ये मिलाकर अवेलेबल फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग जितनी कॉस्ट है वो है हमारी 38,50,000. ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे. इसके बाद ये भी हो सकता है कि अब साल का एंड है और 31 दिसंबर 2018 आ गया है, कुछ काम इन प्रोसेस है. अब जो काम इन प्रोसेस है वो कंप्लीट तो नहीं हुआ, ना ही वो गुड्स कंप्लीट हो सकती हैं, इसलिए ना हम उसे सेल कर सकते हैं, तो उनको हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट नहीं बना सकते, इसलिए हम क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस को यहाँ से लेस कर देंगे. जितनी पहले अवेलेबल फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग थी वो ये थी, लेकिन उनमें से कितनी अमाउंट ऐसी है जिसकी चीज़ें अभी नहीं बनी और इन प्रोसेस हैं, तो वो है 5,57,000. हम लोग इसको यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हम लोग यहाँ लेस करेंगे, अंडरलाइन कर लेते हैं इसे हम. और लेस करने के बाद जो हमारे पास आएगी वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो चुकी हैं उनकी कॉस्ट हमारे पास यहाँ आ जाएगी. तो हम लोग लेस करते हैं, यहाँ इक्वल लिखते हैं ये, और फिर लेस, और ये फिर एंटर, और ये हमारे पास आ गया. ये है 32,93,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है. अब ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें साल के शुरू में फिनिश्ड गुड्स मौजूद थी, यानी पूरी कंप्लीट हुई हुई गुड्स हमारे पास मौजूद थी, लेकिन सेल नहीं हुई थी, नहीं हुई थी सेल, तो वो इस साल सेल हो जाएंगी, क्योंकि पहले हम लोग जब ओपनिंग इन्वेंट्री होती है उसको सेल करते हैं, और फिर हम लोग जो बन रही होती हैं वो भी सेल होती हैं. तो हम लोग जो ओपनिंग इन्वेंट्री है उसको सेल करेंगे, तो उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बनाना है हमने, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर जमा करेंगे, और इसकी अमाउंट है 33,48,000. तो ये हम लोग यहाँ पर जमा करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 36,41,000. और इसमें से हम लोग वो चीज़ें जो कि कंप्लीट हैं, इस साल हमने कंप्लीट की लेकिन अभी वो सेल नहीं हुई, और हमारी कंप्लीटेड गुड्स हमने कंप्लीट करके कुछ रखी हुई हैं ताकि इमरजेंसी अगर सेल आ जाए, नेक्स्ट ईयर शुरू होते ही सेल आ जाए, तो उनको हम लोग
उन गुड्स को फिनिश्ड या कंप्लीटेड गुड्स को सेल कर सकें. तो जो चीज़ें सेल नहीं हुई उनको हमने यहाँ से उसकी कॉस्ट को लेस कर देना है. तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स को हम लोग यहाँ पर लेस करेंगे और ये है हमारे पास 4,96,000. तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट उन गुड्स की जिनको हम लोग सेल कर रहे हैं और इस ईयर में हमारे ईयर 2018 जनवरी से लेकर दिसंबर तक जिन गुड्स को हम सेल कर रहे हैं उनकी कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 31,45,000. तो यहाँ पर हम लोग बना रहे थे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट. तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है वो हमारे पास ये है और जो गुड्स हमने सेल की वर्क इन प्रोसेस को फिर ऐड किया, क्लोजिंग जो वर्क इन प्रोसेस है लेस किया और फिर जो गुड्स सेल हुई हैं उनकी कॉस्ट हमारे पास आई है 31,45,000. और ये है वो कॉस्ट जिसको हमने जहाँ से हमने पास स्टार्ट की थी कि हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखी जाती है वो यहाँ पर गिवन है 31,45,000. ये किस तरह से आया है इसको हम लोगों ने 31,45,000 हम देख सकते हैं इसे, इसको हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट बनाकर फाइंड किया. तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट किस तरह से बनाई जाती है और ये हम लोग इसलिए बनाते हैं कि इसको फाइंड करके हम इनकम स्टेटमेंट में सेल्स के बाद कॉस्ट जो जिन चीज़ों को सेल कर रहे हैं उनकी कॉस्ट को लिख सकें. तो इस वीडियो में हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी सीखी.